नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। बैतूल शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मुलताई दीक्षारंभ में महिला सशक्तिकरण पर कार्यशाला का हुआ आयोजन। आज सरकारी कॉलेज मुलताई में दीक्षारंभ समारोह के तीसरे दिन दीक्षारंभ समारोह कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों के जीवन संबंधी एवं सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों का परिचय और मार्गदर्शन देते हुए महिला सशक्तिकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पुलिस थाना प्रभारी सोनू चौधरी द्वारा विद्यार्थियों को महिला सशक्तिकरण छात्राओं को सुरक्षा और बचाव संबंधी जानकारी दी गई एवं विद्यार्थी सहायता सेवा परिवहन आदि विद्यार्थियों को जानकारी प्रदान की गई। प्राध्यापक संयोजक डीआर कालभोर के द्वारा विद्यार्थियों को उनके व्यक्तित्व को विकास करने और निरंतर आगे बढ़ते रहने की सलाह दी। अच्छे कार्यों में अपनी भागीदारी करने पर बल दिया। क्रीड़ा अधिकारी डॉक्टर अभिनित सरसोदे अपने वक्तव्य में युवाओं को जीवन जीने की कला एवं प्रातः काल उठने से लेकर रात्रि तक अपने समय का सदुपयोग करने, स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने, योग प्राणायाम करने की सलाह दी तथा महाविद्यालय में होने वाली गतिविधियों, खेल प्रतियोगिताओं, साहसिक गतिविधियों, योग शिविर, महिलाओं के आत्मनिर्भर हेतु जूडो कराटे शिविर आदि की जानकारी छात्र छात्राओं को दी एवं क्रीड़ा विभाग से संबंधित जानकारी दी। महाविद्यालय में साल भर होने वाले सांस्कृतिक साहित्यिक कार्यक्रमों में भी बढ़कर कर भाग लेने तथा इन कार्यक्रमों से अपने स्वयं के व्यक्तित्व विकास करने सलाह दी। समापन कार्यक्रम में महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर वर्षा खुराना ने अपने आभारी या उद्बोधन में छात्र छात्राओं को अपने प्रति सजग रहने, अपनी संस्कृति को ध्यान में रखते हुए उनको अपने जीवन में उतारें, अपने आचार विचार को सकारात्मक रखें और अच्छे कार्यों को अंजाम दें जिससे समाज में हमारी प्रतिष्ठा बनी रहे। डॉक्टर ममता राजपूत, डॉक्टर कल्पना विशिंद्रे ने बताया कि आज समाज में महिला और पुरुषों की भागीदारी समान हो चुकी है। इस अवसर पर डॉक्टर कमलेश सरिया, डॉक्टर एल एल राउत, डॉक्टर विनय राठौर, डॉक्टर दीपिका पिपरदे, डॉक्टर टीम नागवंशी एवं अधिक संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। स्टेट हेड राजेश खरसी की रिपोर्ट।